आइए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि रूट टू कोस थीटा बराबर वन दिया है, थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा बराबर वन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोस थीटा बराबर वन, आई देखिए इधर गुना में है ना, इधर ई गुना में है, तो इसको गुना में बराबर के इधर जाता है ना तो भाग में हो जाता है, तो ये भाग में हो गया यानी रूट थ्री, ठीक है। और देखिए तो कोस थीटा बराबर, देखिए कितना का मान होता है, कोस कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, तो देखिए कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, तो थीटा बराबर हो जाता है कितना, 45 डिग्री। ये जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इतना हमारा आंसर होगा। ये कितना नंबर ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दिया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको दो तरीका से हम बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका, देखिए इसको हम आप लोगों को समझाते हैं, देखिए समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला का बेसिस बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को पूरा बढ़िया से इसको और समझाते हैं। दो तरीके से इसको बताते हैं, मेथड फर्स्ट मानिए इसको, मेथड जो है फर्स्ट है, ठीक है, मेथड फर्स्ट। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बदले कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, इसके बदले इतना नहीं लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों बराबर है तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक और इसका फॉर्मूला होता है, देखिए होता है आपका क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा दिया है बराबर वन, इसको उधर भेजेंगे बराबर के उधर, तो प्लस का आएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बदले वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो देखिए वही लिख देना है हमको। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके बदले ये लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका लिखेंगे हम, इसके बदले वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बदले हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टा इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में देखिए वन बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा इसके बदले में क्या लिख देंगे, वन बट्टा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं, इसको प्लॉट देंगे, जिससे साइन स्क्वायर थीटा अगुना ये जो होगा ऊपर चला जाएगा और वन जो है नीचे आ जाएगा, वन नीचे आ जाएगा, यानी देखिए ऊपर क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या चीज, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन, इतना हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दे रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, हमारा आंसर होगा। देखिए इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, और जो है इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइए एक और तरीके से देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आइए 12 का देखिए मेथड टू, जो क्वेश्चन है हमारा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए वन दिया है तो वन, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं। देखिए ऊपर होता है हमारा क्या चीज़, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको चेंज करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा ये प्लस वन। देखिए इसका मतलब होता है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको चेंज करते हैं बटा में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बराबर, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए वन मानते हैं, यहाँ पे भी वन मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी भिन्न का जोड़ जो होता है, भिन्न का जोड़ एलसीएम लिए, तो एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ये जो है साइन एकम साइन, तो या कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए बट्टा, ये कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा अब बट्टा देखिए इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम वन लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम वन लिख दिए, बट्टा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा,
तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, यहाँ पे देखिए ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करिए, एक ही बात हुआ। इसका मतलब भी क्या होगा वन, अब बट्टा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर इसको पलट देंगे तो वन बट्टा साइन स्क्वायर थीटा गुना में ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में वन हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा गुना करेंगे एक से तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में एक से तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा रखिए या ये रखिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा यही आंसर हो जाएगा साइन थीटा या ए दिया है तो ए लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीन नंबर को रहा है कि साइन थीटा बराबर तीन बट्टा पाँच है तो कोस थीटा बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला को हम मानते हैं लॉम्ब, साइन थीटा ऊपर लॉम्ब बट्टा क्या होता है कर्ण, तो ये ऊपर लॉम्ब ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है कर्ण बराबर पाँच। आधार निकालना है, आधार निकालेंगे आधार बराबर क्या होता है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लॉम्ब स्क्वायर, तो लॉम्ब स्क्वायर तो कर्ण हमारा कितना दिया है पाँच, तो पाँच का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर रूट ओवर करेंगे तो पाँच बचे पच्चीस या तीन त्रिका नौ बराबर क्या हो जाएगा सोलह बराबर हमारा क्या हो जाएगा चार, सोलह का वर्गमूल कितना हो जाएगा चार, सोलह का वर्गमूल चार हो गया। अब देखिए हमको निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है आधार बटा कर्ण, तो देखिए आधार हमारा कितना दिया है आधार आया है हमारा चार कर्ण कितना है पाँच, तो कर्ण लिख देंगे पाँच, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर बारह का तेरह का आंसर कितना दे रहा है चार बटा पाँच, चार बटा पाँच ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए चौदह नंबर, चौदह नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है चौदह नंबर ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिए यहाँ पे तेरह में भी पूछा है, तेरह सी में पूछा है, पंद्रह में पूछा है, उन्नीस में भी पूछा है, देखिए उन्नीस सी में भी पूछा है, ठीक है उन्नीस में भी पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हम लोग भी एग्जाम जब दिए हुए थे चौदह में तभी ये पूछा हुआ था ये क्वेश्चन हम लोगों को भी, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है आप लोगों को सिंपल वे में इसको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नाइन सेक स्क्वायर थीटा, नाइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस नाइन टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें भी नाइन है इसमें भी नाइन है तो नाइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है तो नाइन जब कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, देखिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ये तो पता है आप लोग को पीछे भी पढ़ाए हुए थे। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन हो जाएगा तो वन बराबर क्या होगा नौ एकम नौ, तो नौ जो है हमारा आंसर हो गया नौ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंद्रह नंबर। देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि टू साइन अड़तीस डिग्री बट्टा में कोस बावन डिग्री, ठीक है बावन डिग्री। देखिए इसको हमको निकालना है, देखिए इसका मान क्या होगा सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, किसी को ना किसी को कन्वर्ट कर देते हैं हम, है ना कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे टू है तो टू, अब ये देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन 90 में से अगर बावन घटा देंगे तो ये अड़तीस हमारा आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस बावन बट्टा नब्बे माइनस बावन बट्टा इतना रह देंगे, उसके बाद कोस जो है बावन को बावन रहने देंगे कोस बावन। अब देखिए हम चूंकि पढ़े हैं ऊपर भी पढ़ाए हैं आप लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी थीटा के जगह पर ये वाला थीटा रख दिए हैं, उसी तरह क्या करेंगे कि यहाँ पर भी टू, ठीक है आ देखिए साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस, आ थीटा बराबर देखिए यहाँ पे थीटा बराबर थीटा रखे हैं यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे बावन रख देंगे, अब बट्टा में क्या है तो कोस बावन है तो बावन, देखिए ये और ये कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा दो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा कितना नंबर ऑप्शन में दिया है पंद्रह का ऑप्शन जो है हमारा दो, देखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया है ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं सोलह नंबर, सोलह नंबर कुछ नहीं है बस हमको मान रख देना है। देखिए सोलह नंबर क्या कह रहा है कि टेन थीटा बराबर रूट थ्री दे रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर किसका मान होता है तो टेन सिक्सटी का मान होता है, सिक्सटी का मान, तो थीटा बराबर लिख देंगे सिक्सटी डिग्री,
जो हमारा देखिए आंसर नंबर कितना है, बी नंबर ऑप्शन देखिए, 16 का भी, 16 का डी, सॉरी 16 का डी पूछ रहे हैं, हाँ डी अब नंबर आंसर जो हमारा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, केवल हमको मान याद रहेगा, तुरंत बना देंगे। देखिए कह रहा है कि cos 60 अब प्लस 1 दे रहा है, ठीक है, 1 cos 60 डिग्री प्लस 1, ऊपर से फिर भी यहाँ पे बट्टा में दे रहा है कि cos 60 माइनस दे रहा है, सॉरी माइनस का 1 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर देखिए, अब यहाँ पे देखिए 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, अब प्लस का 1, अब बट्टा में क्या 1/2 माइनस का 1, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए यहाँ पे 1 लिख दिया, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, प्लस 2 एक दूना 2 तो 2 हो जाएगा। अब बट्टा में देखिए एलसीएम लेंगे तो 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए मेन बट्टा है तो यहाँ पे 1 घटाओ 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 घटाओ 2, अब यहाँ पे देखिए देखिए ये वाला ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया क्या माइनस 1, तो बराबर ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा आंसर जो है हमारा। देखिए कितना नंबर है, माइनस का 3 बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी फॉर्मूला है, टेन 60 का मान पूछ रहा है। तो देखिए टेन 60 का मान पूछ रहा है, देखिए हम आप लोगों को बता दें कि अब आप लोग इसका ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप लोग पूरा बना लेते हैं, है ना, क्वेश्चन दिया है ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बना लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं फंसेगा। ठीक है, इसलिए आपको बढ़िया से आप लोग इसको बना जाइए, पूरा टारगेट का जो मैथ है ऑब्जेक्टिव का पूरा मैथ बना जाइए, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल डाटा चेंज कर देगा आप लोग को, मेथड जो है ये मेथड अपनाते रहिएगा, डाटा अगर चेंज कर देगा तो आप लोग बना सकते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद मत करिए कि इसका आंसर ये होगा इसका आंसर ये होगा, इसे याद करिएगा कोई फायदा नहीं है, कहीं हो सकता है कि डाटा चेंज कर दे, डाटा चेंज कर देगा तो दिक्कत है, नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप लोग शुरू से ही इसको बनाते जाइए, जो मेथड है मेथड आप लोग समझते जाइए, मेथड याद रहेगा आप लोग देख के आराम से बना सकते हैं, मेथड नहीं रहेगा याद करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 60 दिया है यहाँ पे कुछ और दे दे, मान लीजिए यहाँ पे 60 दिया है यहाँ पे कुछ और दे दे, है ना, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन में भी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दे दे, तो आप लोग याद करिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे नहीं ना मार पाइएगा। तो इसलिए आप लोग मेथड को समझिए, मेथड को ऐसे बनाया गया, इसको मेथड को समझिएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ये तो दिक्कत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 का मान हमको क्या है, तो 60 का मान होता है क्या, √3, तो √3 मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 19 नंबर देखिए, दिया है साइन 18 डिग्री, अब बट्टा में क्या है cos 72 डिग्री। इसको देखिए बनाने के लिए हम बोले हैं इसको किसी एक को चेंज कर दीजिए, देखिए साइन है तो साइन 90 माइनस अगर 72 करते हैं तो इसको घटाइएगा तो 18 आ जाएगा, अब बट्टा में cos क्या हो जाएगा 72। देखिए फिर साइन, देखिए सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा, यानी थीटा के बराबर 72 है, और ये हो जाएगा cos 72। देखिए cos से cos कट जाएगा कितना मरतबा में, एक मरतबा में, यानी आंसर जो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan a के बराबर है, तो आप समझ सकते हैं कि tan a के बराबर है, देखिए हम आप लोगों को बताए हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, फिर अगर रहेगा cos 90 माइनस थीटा, देखिए ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, हम फॉर्मूला के बेसिस पर आप लोगों को समझा रहे हैं, पहले देखिए ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ठीक है, अगर tan दिया रहेगा तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, अगर यहाँ पे रहेगा cot 90 माइनस थीटा बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब चेंज हो जाता है। अब आप ही समझिए कि यहाँ पे cos a पूछ रहा है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे tan a पूछ रहा है, तो मान लीजिए tan a यहाँ पे दिया है तो tan 90 माइनस थीटा cot tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है, तो cot 90 माइनस थीटा कितना होगा, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा यही हो जाएगा, तो इसी को जो है हम अपना आंसर मानेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 21 नंबर देखिए, कुछ नहीं ये भी है, देखिए हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण होता है। ठीक है, लंब बट्टा कोण, तो ये लंब हो गया ऊपर, या ये बट्टा में हमारा क्या हो गया कोण, तो लंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बराबर 3, और कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर 4 हो जाएगा। जब इतना आ गया हमारा कोण बराबर 4, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, तभी ना हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा
आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, हम फॉर्मूला जानते हैं इसका, तो इसको सबसे पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है रूट ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। रूट ओवर तो 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9, सॉरी आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है, बराबर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, एलसीएम यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए अब कोस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना आया है 5, और कर्ण कितना है तो कर्ण हमारा 4 है, तो यही जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मान 0 के बराबर होगा। तो देखिए 0 के बराबर जो होता है, देखिए बताते हैं आपको, देखिए 0 के बराबर, देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है, और फिर साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान होता है आपका 1 होता है, ठीक है, जबकि कोस 0 का मान जो है 0 होता है, ठीक है, साइन 90 का मान 0 होता है ना, साइन 90 का मान 0 होता है, ठीक है, साइन 90 का याद रखना पड़ेगा इसको, है ना, सॉरी कोस 90 का मान हमारा कितना आ जाएगा 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, इसको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा मान, कोई दिक्कत नहीं है, मान में थोड़ा सा किसी किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोस 90 इसका आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, 23 नंबर ध्यान से देखिएगा, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे ऐसा, देखिए ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहेगा ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसको एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक को जब चेंज कर देंगे ना तो हो जाएगा। देखिए इसको मान लीजिए हम 10 लिख दिए और 90 माइनस जब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रुकिए दोनों को सबसे पहले एक जगह लाते हैं, देखिए इसको तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 10 80 ला देंगे, 10 80 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ठीक है, इतना दे दिया। अब देखिए क्या करेंगे, एक को इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है, अब देखिए 10 10 है तो 10 10 रहने दीजिए, 10 10 है तो 10 10 रहने दीजिए इंटू 10, देखिए 90 माइनस 10 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, इंटू 10 15 है तो 15 रहने दीजिए इंटू 10 90 माइनस, अगर 15 घटा देंगे 90 माइनस 15 तो ये आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो देखिए बराबर 10 10 इंटू, देखिए इसको घटाएंगे, देखिए 10 90 माइनस थीटा बटा बराबर कोट थीटा होता है, तो कोट 10 हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा 10, तो 10 लिख देंगे इंटू, देखिए 10 15 है तो 10 15 इंटू 10 90 माइनस 15 है, 10 90 माइनस 15 है यानी हो जाता है कोट 15 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग खुद समराइज करते देखिएगा, होता है देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, कैसे होता है थोड़ा सा हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए जैसे 10 थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा इंटू कोट थीटा है तो कोट थीटा बराबर देखिए कोस बटा साइन होता है, इसको चेंज कर देखिए कोस को चेंज हो गया, कट से साइन से साइन कट गया, यानी कितना आ जाएगा वन आ गया, तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे कि ये देखो देखिए गुना में 1 होगा, इसका मान 1 इंटू इसका मान 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा ये जो इसका आंसर जो हो गया हमारा 1 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कितना नंबर है 23 देखिए 1 जो है 1 डी नंबर ऑप्शन हुआ हमारा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हम भी मोटिवेट हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करें, प्रयास करते हैं कि ये पूरा आप लोग को बुक समाप्त कर देंगे, जिससे आप लोग सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए कि हम भी मोटिवेट हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हर एक लड़का के पास पहुँच जाए जिससे हर एक लड़का जो है इससे लाभ उठा सके, है ना। चलिए जय हिंद।